अगर आप न्यू लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में 6 बेस्ट लैपटॉप के बारे में बात करेंगे जिसका बजट 27,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में होगा। तो आप अपने बजट और वर्क के अकॉर्डिंग कोई भी लैपटॉप चॉइस कर सकते हैं। अगर आपका बजट 25,000 से 30,000 रुपए के बीच में है तो लेनेवो V15 का लैपटॉप ले सकते हैं जिसका प्राइस 28,995 रुपए है। हालांकि इसकी MRP प्राइस 39,990 रुपए है, लेकिन अभी बिना कोई EMI कॉस्ट पर ये लैपटॉप आपको 28,995 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपको प्रोसेसर रीजेन 3 का मिलेगा, रैम 4 GB और 1 TB का हार्ड डिस्क। बट इसमें आपको विंडोज नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप विंडो अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेनोवो V15 का वजन 1.85 kg है, जो कि आप ट्रेवल में आसानी से कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस लैपटॉप की डिजाइन देख सकते हैं। तो अगर आपका बजट 25,000 से 30,000 रुपए के बीच का है तो आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। नॉर्मल वर्क के लिए ये बेस्ट लैपटॉप है, जैसे कि MS ऑफिस वर्क, टेली वर्क और फोटोशॉप चलाना है। तो इस तरह के जो नॉर्मल वर्क है तो आप इस लैपटॉप को आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो आपको अपना बजट बढ़ाना होगा। इस बजट में ये बेस्ट लैपटॉप, लेकिन ये नॉर्मल वर्क के लिए है, इसमें आप एडिटिंग जैसे हाई वर्क नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड लैपटॉप के बारे में। अगर आपका बजट 40,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए के आसपास है तो आप ASUS Vivo Book 14 का बेस्ट लैपटॉप है, जिसके MRP प्राइस 15,000 रुपीज है। इसमें अभी आपको ये लैपटॉप बिना कोई EMI कॉस्ट दिए 44,990 रुपए में मिल जाएगा, यानी आप 8,000 रुपए तक का सेविंग कर सकते हैं। इसमें आपको रीजन 5 का प्रोसेसर मिल जाएगा, 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी। काफी थिन और लाइट लैपटॉप है। अगर आप काफी ट्रेवल पर जाते हैं उसके लिए भी ये बेस्ट लैपटॉप है, क्योंकि इसका वजन 1.6 kg है। इसमें आपको 8 GB रैम, 512 GB का NVMe स्टोरेज मिल जाएगा और विंडो 10 आपको इसमें ओरिजिनल मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको MS Office 2019 का भी ओरिजिनल मिल जाएगा। NVMe SSD सुपर फास्ट होती है। जब भी आप लैपटॉप को बूट करते हैं इसमें या मल्टीपल वर्क करते हैं तो इसमें आपको अच्छी स्पीड देखने को मिल जाती है। ये काफी रेंजफुल लैपटॉप है, सभी वर्क में काम करेगा, चाहे आप इसमें नॉर्मल वर्क करना चाहें या हाई वर्क। जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग के लिए एक बेस्ट लैपटॉप चाहिए तो इसमें आप वीडियो एडिटिंग के सभी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 44,990 रुपए में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आप Amazon से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी लिस्ट का थर्ड लैपटॉप के बारे में, जिसका प्राइस है 57,490 रुपीस। हालांकि इस MRP प्राइस 79,099 रुपीस है, लेकिन बिना कोई कॉस्ट EMI के आप इसे 57,490 रुपए में परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप 22,509 रुपए तक का सेविंग कर सकते हैं। स्पेशली ये एक गेमिंग लैपटॉप है। अगर आप एक गेमर और एक गेम खेलने का बहुत शौक है तो आप नॉर्मल लैपटॉप पर गेम्स नहीं खेल सकते हैं, तो उसके लिए एक पावरफुल लैपटॉप्स आते हैं, उन्हीं में से ये एक लैपटॉप है। इसमें आप सारे नॉर्मल और हाई वर्क कर सकते हैं और इसमें आप गेम्स भी खेल सकते हैं। इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाएगा राइजन 5, 8 GB रैम, 512 GB SSD स्टोरेज मिल जाएगी, विंडो 10 इसमें आपको ओरिजिनल मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको GTX ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाएंगे, जिसका वेट है 2.2 kg। ये काफ़ी हैवी लैपटॉप है और ट्रेवल के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अगर आपको हैवी लैपटॉप चाहिए, अगर आपको गेम्स खेलने या हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, तब आप ये लैपटॉप परचेज कर सकते हैं 57,490 रुपीस में। आपको ये Amazon से परचेस मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये है हमारी लिस्ट का फोर्थ लैपटॉप, जिसका प्राइस है 59,099 रुपीस। हालांकि इसकी MRP रेट है 75,929 रुपीस है, लेकिन ये लैपटॉप आपको बिना कोई सर्विस टैक्स के अभी 59,990 रुपीस में मिल जाएगा, यानी आप सीधे सीधे इस पे आप 15,000 रुपीस की बचत कर सकते हैं। इसमें आपको कोर i5 प्रोसेसर मिल जाएगा,
8 GB की रैम और स्टोरेज, 512 GB की SSD मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको विंडो 10 भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये लैपटॉप आपके सभी हैवी वर्क्स के लिए, गेम्स के लिए, एडिटिंग के लिए, जो आप बाय कर सकते हैं डायरेक्ट अमेज़न से। इस लैपटॉप में और थर्ड नंबर के लैपटॉप में आपको लैपटॉप में फ़र्क ये है कि इसमें आपको Ryzen 5 का प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आपको कोर i5 प्रोसेसर मिलता है। क्योंकि इन दोनों का प्राइस सेम है तो इनमें से आप कोई भी एक पसंद कर सकते हैं। अगर आपको Ryzen पसंद है तो आप ये वाला ले सकते हैं। अगर आपको कोर i5 का ग्राफिक्स कार्ड पसंद है तो आप HP का ये लैपटॉप ले सकते हैं। इसके बाद है हमारे लिस्ट का 5th लैपटॉप है MacBook Air। अगर आपका बजट 80,000 रुपीज़ के आसपास है तो आप इस MacBook Air को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 13 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, 10th जनरेशन का Intel iCore 3 प्रोसेसर मिल जाएगा, 8 GB की रैम और 256 GB का स्टोरेज मिल जाएगा। ये काफ़ी लाइट वेट होता है। इसमें आपको अलग अलग कलर्स भी मिल जाएंगे, इसे आप गोल्डन कलर में भी बाय कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर है या वीडियो एडिटिंग के लिए आपको वीडियो एडिट करनी है या कोई भारी वर्क करना है तो आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए। इसमें आप फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ पे फाइनल कट प्रो यूज नहीं किया जाता है, तो आप एप्पल का मैकबुक एयर पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी लिस्ट का 6th लैपटॉप। ये काफ़ी पावरफुल लैपटॉप है, इसमें आप कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस भी वैसा ही है। इसका प्राइस अभी है 94,490 रुपीज़। हालांकि इसकी MRP प्राइस 1,23,000 रुपीज़ से भी ऊपर है। अभी आपको ये लैपटॉप 94,490 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिस पे आप 29,000 रुपीज़ की बचत कर सकते हैं। इसमें आपको Ryzen 5 का प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही इसमें आपको 6 GB की ग्राफिक्स कार्ड। ये एक गेमिंग लैपटॉप है, इसमें आप कोई भी हैवी से हैवी गेमें चला सकते हैं। इसमें आपको 8 GB का रैम मिलेगा और 1 TB की SSD ड्राइव मिलेगी। MS ऑफिस और विंडो 10 आपको इसमें ओरिजिनल मिलेगा। इसमें आप कोई भी हैवी से हैवी वर्क आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 6 लैपटॉप की डिटेल्स। तो इसमें से आप अपने हिसाब से कोई भी लैपटॉप परचेज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन और पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।